हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें एक क्लर्क की पोस्ट होती है जो ट्वेल्थ वालों के लिए भी रहती है और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी रहती है। तो इस बार अगर टोटल बात करें तो 1715 के आसपास ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और इसी की सैलरी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि जैसे बाकी डिपार्टमेंट में एक बाबू की पोस्ट होती है, ऐसे ही रेलवे में भी एक बाबू की पोस्ट होती है और इस बाबू को कितनी सैलरी मिलती है वो आप आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिल्कुल लेटेस्ट ओरिजिनल सैलरी स्लिप मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और अगर आप लोग किसी और पोस्ट की भी इसी तरह से सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी सैलरी स्लिप अरेंज करके वो भी आपको दिखा दूंगा। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन की इस बुक का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सेम बुक आपको मैथमेटिक्स के लिए भी मिल जाती है। अभी तक के रेलवे के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और क्योंकि एनटीपीसी में जीके का बहुत ही मेन रोल रहता है तो किरण पब्लिकेशन की रेलवे 27,000 फैक्ट सार संग्रह की बुक का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जीके के सॉल्व पेपर के लिए आप किरण पब्लिकेशन की इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 3790 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। सारी चीजें करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पर जो है किरण पब्लिकेशन के एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इसमें टोटल 129 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है। तो ये पूरा कॉम्बो परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 2019 वाली एनटीपीसी की वैकेंसी की, तो यहाँ पर ट्वेल्थ वालों के लिए एक पोस्ट थी जिसका नाम था अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये लेवल 2 की पोस्ट होती है। 19,900 रुपये यहाँ पर बेसिक पे रहता है। पिछली बार 1,002 यहाँ पर वैकेंसी आई थी। उसी तरह से जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए यही पोस्ट सीनियर फॉर्म में आती है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो यहाँ पर जो है सीनियर क्लर्क है ये लेवल 5 में आ जाते हैं। 29,200 रुपये बेसिक पे इनका रहता है और पिछली बार ये काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आई थी, 4,197। अब यही जो पोस्ट है वो इस बार भी आपको देखने को मिल रही है एनटीपीसी में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 नंबर पर देखने को मिलेगी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आती है। 990 पोस्ट इस बार इसकी आने वाली है। और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट आ रही है जो 725 है। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो लगभग 1715 पदों पर यह वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिल रही है। अब इसी की मैं आपको सैलरी दिखाता हूं कि इनको एक्चुअल में कितनी सैलरी रेलवे में दी जाती है। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं और बिल्कुल लेटेस्ट ही है ये। देख लीजिए, जुलाई 2024 महीने की ये सैलरी स्लिप है। डेजिग्नेशन में आप देख सकते हैं सीनियर क्लर्क की ये पोस्ट है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इनको काम क्या करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेलवे के बाबू होते हैं, इनको किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दे दी जाती है। हो सकता है कि इनकी ड्यूटी DRM ऑफिस में लग जाए, हो सकता है कि किसी अदर डिपार्टमेंट में पर्सनल डिपार्टमेंट में इनकी पोस्टिंग हो जाए, वहाँ पर इनको काम क्लर्क का ही करना रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट मिला हुआ है। अगर बात करें इनकी ज्वाइनिंग की तो इन्होंने 2016 में ज्वाइन किया था लेवल 5 में, जैसा कि मैंने आपको बताया है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट है उस पर ये कार्यरत हैं। अगर बात करें सैलरी की तो 31 दिन की सैलरी आप इनकी यहाँ पर देख रहे हैं। और कितनी है ये है 59,630। ठीक है, लगभग आप इसको 60,000 कह सकते हैं, 60K सैलरी इनकी बनी है। और कितना टाइम इनको हो चुका है जॉब करते हैं वो आप देख सकते हैं, 2016 में इन्होंने ज्वाइनिंग की थी तो 4 साल, वो लगभग 8 साल के करीब इनको होने वाले हैं। आगे बात करते हैं इनको क्या क्या मिलता है। तो बेसिक पे के रूप में 31,900 रुपये इनको मिलते हैं, क्योंकि इनका बेसिक पे इंक्रीज़ हो चुका है। वैसे जब आप ज्वाइन करेंगे तो 29,200 रुपये बेसिक पे रहता है। उसके बाद इनको डियरनेस अलाउंस मिला है 15,950 रुपये, हाउस रेंट अलाउंस मिला है 6,380 रुपये और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 54 रुपये। अब इस पोस्ट में एक आप लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपको कोई खास ट्रैवलिंग अलाउंस, कोई नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह ज़्यादा नहीं मिलता है। बेसिकली इनकी ड्यूटी दिन में ही रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और कोई ट्रैवल ही ज़्यादा नहीं करते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी यहाँ पर नहीं बनता है। तो सिर्फ अगर देखा जाए तो इनको सिर्फ बेसिक पे के अलावा कुछ 1-2 अलाउंस ही मिलते हैं। कटौती इनकी 8,315 रुपये की हुई है और कटौती होने के बाद जो इन हैंड सैलरी बनी है वो 51,315 रुपये बनी है। अब देखो, ये जो मैंने आपको पोस्ट दिखाई ये लेवल 5 वाली पोस्ट थी। अगर आप इसी को ट्वेल्थ वाली पोस्ट से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर सैलरी और भी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि इससे कम ही हो जाएगी। लगभग आप मान के चलिए 35 से 40K के आसपास सैलरी हो जाएगी। तो देखो, इस पोस्ट में हालांकि सैलरी तो कम होती है लेकिन एक सुकून वाली जॉब आप कह सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, आउटडोर जॉब नहीं है, पूरी तरह से इंडोर जॉब रहती है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। और जब मैं जॉब प्रोफाइल वाली सीरीज स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं आपको सेपरेटली ये भी बताऊँगा कि इनको काम क्या करना होता है, और कोशिश करेंगे कि हम किसी क्लर्क का इंटरव्यू भी ले पाएँ। ठीक है, अभी के लिए आप जान लो कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं रहता इसलिए सैलरी भी थोड़ी सी कम रहती है। तो अगर आप लोग सुकून वाली जॉब चाहते हैं तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ट्वेल्थ वाली पोस्ट पर अगर आप ज्वाइन करेंगे यहाँ पर
तो आप प्रमोट होकर फिर लेवल 5 तक जा सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप डायरेक्ट लेवल 5 वाली जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो है क्लर्क की पोस्ट की पूरी सैलरी बताई है। अगर किसी पोस्ट की आप सैलरी देखना चाहते हैं तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ।